गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वो उनके आपस में बात सुन रही थी, वो हमारी आपस में बात सुन लेता है, यहाँ हमारी आपस में बात कोई भी सुन सकता है। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ करनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है ओवर हीयर, ओवर हीयर के बाद आपको यूज़ कर देनी है ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन, और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आप ओवर हीयर देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि ओवर हीयर्स, ओवर हर्ड, ओवर हीयरिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो उनके आपस में बात सुन रही थी। सी वॉज ओवर हियरिंग देम। सी वॉज ओवर हियरिंग देम। वो हमारी आपस में बात सुन लेता है। ही ओवर हियर्स अस। ही ओवर हियर्स अस। यहाँ हमारी आपस में बात कोई भी सुन सकता है। हियर एनीबडी कैन ओवर हियर अस। हियर एनीबडी कैन ओवर हियर अस। क्या उसने तुम्हारे आपस में बात सुन ली? डिड सी ओवर हियर यू। डिड सी ओवर हियर यू। तुम्हें उनके आपस में बात नहीं सुननी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव ओवर हर्ड देम। यू शुड नॉट हैव ओवर हर्ड देम। क्या कोई हमारे आपस में बात सुन रहा है? इज एनी वन ओवर हियरिंग अस। इज एनी वन ओवर हियरिंग अस। मैंने तुम्हारी आपस में बात सुन ली। आई ओवर हर्ड यू। आई ओवर हर्ड यू। क्या उसने तुम्हारी आपस में बात सुन ली? डिड सी ओवर हियर यू। डिड सी ओवर हियर यू। क्यों दूसरे के आपस में बात सुनते हो? वाई डू यू ओवर हियर अदर्स। वाई डू यू ओवर हियर अदर्स।